अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ओनिकोमा का K20 गेमिंग हेडसेट को। ब्लैक कलर में ये आता है और इसकी जो प्राइस है वो आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रही होगी। अनबॉक्सिंग के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी का, वायर क्वालिटी का, साउंड टेस्टिंग भी करेंगे इसी वीडियो में, बेस क्वालिटी का भी इस वीडियो में बताऊंगा और साथ साथ इसकी जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो भी टेस्ट करके इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर तो पूरी वीडियो देखने के बाद ये आपको अच्छा लगे और आप बाय करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा अमजद भाई का और उनकी शॉप का एड्रेस भी आ रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद रजा और आपका वेलकम हो गया। तो बॉक्स के फ्रंट पे मिल जाता है K20 मॉडल नंबर और यहाँ पर कंपनी नेम मिल जाता है ओनिकोमा और लोगो मिल जाता है और यहाँ पर जो है हेडफोन सेट का डिज़ाइन मिल जाता है जो कि इस टाइप का और यहाँ पर प्रोफेशनल गेमिंग हेडसेट लिखा हुआ है। इस सेट पे डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, हाई फिडेलिटी मिल जाती है और यहाँ पर पैडेड हेडबैंड मिल जाता है, इनलाइन कंट्रोल मिल जाता है, प्री साइज का बता रहे हैं और यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल रहा है और बैक पे इन्होंने इंग्लिश और हर लैंग्वेज में बताया हुआ है। कुछ स्पेसिफिकेशन है जैसे कि स्पीकर साइज है और सेंसिटिविटी का बताया हुआ है, फ्रीक्वेंसी रेंज का बताया हुआ है, माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी का बताया हुआ है और यहाँ पर जो केबल की लेंथ है 2.2 mm है वो बताया हुआ है और LED वर्किंग वोल्टेज का बताया हुआ है और हेडसेट का जो जैक मिल रहा है USB 3.5 mm का मिल रहा है और यहाँ पर जो है अपनी वेबसाइट वगैरह का इन्होंने बताया हुआ है। ये एक जो है करेक्टर मिल जाता है जो कि इन्हीं का ही गेम का आई थिंक करेक्टर है या फिर इन्होंने खुद बनाया है। ओके, तो यहाँ पर जो है हेडसेट का एक साइड मिल जाता है और बस। तो चलिए फिर इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर इसके जो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन है वो चेक करते हैं वो कैसा मिल रहा है। दोस्तों तो यहाँ पर एक कन्वर्टर मिल रहा है, ठीक है, ये आप लोग PC के साथ यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर जो है एक यूजिंग गाइड बुक दी हुई है और इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं केबल की क्वालिटी की। केबल मिल रही है, ब्राइडेड केबल मिल रही है, ब्राइडेड केबल वैसे ही अच्छी होती है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और यहाँ पर जो है कंट्रोल मेरा है केबल के साथ ही मेरा है, ठीक है, ये माइक्रोफोन का वॉल्यूम ऑफ और ऑन का और यहाँ पर जो है एक व्हील मेरा है वॉल्यूम को अप डाउन करने का और यहाँ पर जो है गोल्ड प्लेटेड जो है कलर मिल रहा है इन साइड पर, ये भी काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर 3.5 mm का जैक मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो डिज़ाइन कुछ इस टाइप का है, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं फोकस कर देता हूँ और इस टाइप का जो है डिज़ाइन मिल रहा है। तो ये जो है एयर कप्स मूवेबल हैं, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं और जो डिज़ाइन की क्वालिटी जो है ना मैट फिनिश है, लेकिन यह है कि मुझे कुछ ना हल्का सा प्लास्टिक लगा है, कुछ इतना सॉलिड प्लास्टिक टाइप नहीं है, लेकिन यह है कि वो फील सा पता चल जाता है कि अगर तो हम इसको हाथ में लें ना तो एक चीज़ पता चल जाती है, क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी का पता चल जाता है, लेकिन वो क्वालिटी मुझे नहीं अच्छी लगी है, ठीक है, लेकिन यह है कि डिज़ाइन वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मैं आप लोगों को ऑन करके भी दिखाता हूँ, इसकी एक LED लाइट है, RGB लाइट लगी हुई है, ठीक है, कलर वगैरह चेंज होते रहते हैं और इसके अंदर जो है ना मैं एयर कुशन्स की बात कर लेता हूँ, नेट कुशन मिल रहा है, ठीक है, और ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है, मुझे अच्छा लगा और यहाँ पर जो है एयर साइज़ भी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। ये मैं टेस्टिंग टाइम आपको बता सकूँगा और चलिए फिर इसका जो है ना मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। और एक और बात, यहाँ पर जो है इस टाइप से माइक्रोफोन जो है ये ऑन होगा, ओपन होगा, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी भी टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं इससे पहले मैं आप लोगों को इसको ऑन करके दिखा देता हूं कि ये कैसे लगता है ऑन होते हुए। तो ओके, तो ये इस टाइप से ये ऑन होता है, तो ये आप लोगों के सामने है, काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन लगता है जब ये एक लाइन ऑन हो जाती है लाइटनिंग, ठीक है, और ओनिकोमा का जो नेम है वो ग्लो करता है। तो चलिए फिर इसके जो है साउंड क्वालिटी है वो चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी मिल रही है। ओके दोस्तों, तो इसको मैंने कनेक्ट कर लिया अपने मोबाइल के साथ, ठीक है, और अगर तो हम इसको पहनते तो कुछ इस टाइप से नज़र आता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके कंफर्टेबल की बात कर ली जाए तो ये मैंने कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए मैंने इसको पहन के रखा हुआ है और मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा, अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, ना तो पेन हुआ, ना हेड पे पेन हुआ, ना ही एयर पे
पेन हुआ है। तो चलिए फिर इसको जो है साउंड टेस्ट की तरफ चलते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो साउंड टेस्टिंग है, टाइम, जो बेस क्वालिटी और साउंड क्वालिटी है वो कैसी मिल रही है। तो मैं प्ले करता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक को। दोस्तों जो इसका जो है ना साउंड क्वालिटी नॉर्मल है, मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बेस मिल रही है, लेकिन ये कि नॉर्मल बेस मिल रही है। और जो स्टार्ट का म्यूज़िक था वो भी काफ़ी अच्छा था, सॉफ्ट सा था, ठीक है। तो जो बेस है ना वो नॉर्मल मिल रही है, ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है और इसे बाय करो, नहीं। जो सही बात है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि इसके अंदर जो बेस मिल रही है नॉर्मल मिल रही है, कुछ ज़्यादा नहीं मिल रही है। इसका जो ओल्ड मॉडल है जो कि K19 है, ठीक है, K19 के अंदर जो बेस मिल रही है वो इससे काफ़ी अच्छी मिल रही है। ओनिकुमा का जो K19 है वो काफ़ी अच्छी मिल रही है। इसके अंदर ये जो मॉडल है ये K20 है, इसके अंदर जो बेस है वो नॉर्मल मिल रही है, कुछ ज़्यादा नहीं मिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर चलते हैं इसके जो है ना माइक टेस्टिंग की तरफ चलते हैं, और फिर मैं माइक की क्वालिटी आप लोगों के साथ बता देता हूँ और शेयर कर देता हूँ कि इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी मिल रही है माइक की। ओके दोस्तों, जो भी मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो इसी हेडफोन के माइक के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये आप लोग सुन भी सकते हैं कि इसके अंदर जो क्वालिटी है वो कैसी मिल रही है, माइक की क्वालिटी है वो कैसी मिल रही है, नॉइस कैंसिलेशन है वो कैसी मिल रही है। जो अभी रिकॉर्डिंग है वो इसी हेडफोन के माइक के साथ रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि इसकी जो क्वालिटी है, माइक की क्वालिटी है वो कैसी मिल रही है। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को कैसा लगा ये हेडफोन? अगर तो आप लोगों ने नॉर्मल कोई ये हेडफोन बाय करना है, स्काइप हो गया या फिर वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ करना है, तो इसको आप बाय कर सकते हैं नॉर्मल यूज़ करने के लिए, गेमिंग के लिए नहीं ये कंफर्टेबल। ओके दोस्तों, तो अगर तो आप लोगों को अच्छा लगा और आप बाय करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर और शॉप का एड्रेस आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।